हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको चार नंबर की काना को पहना के दिखा रही हूँ। सिंपल आपको चार कोन पीस बनाना है और उसी की हेल्प से आपका ये रेडी हो जाएगा। चार कोन पीस बनाने के लिए भी हमें एकदम चार कोन सी पट्टी कट करनी है, जो कि ईजी होता है कट करना सर्कल के। उसमें अगर आप देखेंगे तो हमें चार कोन पीस कट करने में बहुत ईजी होता है। अगर छोटे बच्चे से भी आप कट करवाएंगे तो वो भी कट कर देगा। तो इसीलिए ये ड्रेस बनाना बहुत ईजी है और बहुत खूबसूरत लगती है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे पहना दिया है चार नंबर के काना को, बहुत सुंदर लग रही है इनके ऊपर। आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने काना जी को पहनाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप देखिए कितनी अच्छी हमारी फ्रिल आई है। ये पता नहीं आपको दिख रही है सामने से कि नहीं, बट ये सामने से बहुत सुंदर है। आप देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये फ्रिल आई है, बहुत सुंदर लग रही है। तो आप भी इसे ईजिली बनाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है कान्हा जी के लिए। सेम ड्रेस आप तीन नंबर को भी पहना पाएंगे। इसी तरह की ड्रेस मैंने रेड कलर में बताई है पाँच नंबर के लिए, बट वो मैंने कॉटन के फैब्रिक से बताई है। मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। वो भी बनाना बहुत ईजी है, आप वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक लिया है। ये मैंने इसे प्रेस कर लिया है मोड़ के। मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ कि कितनी है। ये देखिए, इधर से हमने इसे रखा है 9 इंच। प्रेस करने से ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, बाकी देखिए 9 इंच है हमारा एग्जैक्ट। और इधर से भी हमने इसे 9 इंच ही रखा है। तो 9 इंच लंबाई और चौड़ाई आप ले लीजिए। इसे हम इस तरह से एक बार मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ लेंगे, तो देखिए ये हमारा ऐसे करके आ जाएगा इसका। ये देखिए, ये तीन साइड जो है, सॉरी इसकी देखिए, एक साइड इस तरह से खुली रहेगी और एक हमारी इसकी ये वाली साइड लॉक रहेगी। तो जो साइड खुली है वो हमें यहाँ पे रखनी है। सेम तरीके से हमने देखे दो पीस बनाया हुआ है और दो पीस हमने येलो कलर से प्रेस करके रेडी किया है। हमारा चार पीस हो गया है। अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसकी ये फोल्डेड साइड है, ये देखिए ये फोल्ड है और इधर से ये वाली फोल्डेड साइड है। अब येलो वाले की देख लेते हैं। देखिए ये है फोल्डेड और ये है फोल्डेड, तो हम दोनों की खुली खुली हुई साइड ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, इधर से भी हमारा चार फैब्रिक आएगा और इधर से भी हमारा चार फैब्रिक आएगा। जहाँ से हमारा चार फैब्रिक आ रहा है वही हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसे हम सिल देंगे। जिधर से हमारा चार चार फैब्रिक आ रहा है उधर से हम इसे सिल ले रहे हैं। चलिए सिल देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे दो पीस ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को ज्वाइंट करना है। तो देखिए, येलो वाला हम यहाँ पे रखेंगे, इसका ये जो हमारा खुला हुआ, ये देखिए यहाँ से चार फैब्रिक हमारा दिख रहा है इधर से, और इधर से भी चार फैब्रिक दिख रहा है। तो इधर वाला इधर ज्वाइंट हो जाएगा और इस साइड वाला यहाँ पर ज्वाइंट होगा। सेम ऐसे हम इसे भी रख लेंगे। देखिए इधर भी चार फैब्रिक है और इधर भी चार फैब्रिक है। तो बस यहाँ पर देखिए, एक इधर से ज्वाइंट हो जाएगा और एक यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर हम इसमें इसको अटैच करेंगे। तो चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। थोड़ा सा ये स्लिप करता है, आप चाहें तो इस पर एक पिन भी कर सकते हैं तो आपका ये स्लिप नहीं करेगा। तो मैं चलिए पिन लगा देती हूँ यहाँ एक, दोनों को पकड़ के। अब हमारा ये स्लिप नहीं करेगा, अब हम इसे यहाँ से सिल देंगे। ये देखिए, हमने इसे सिल दिया है। अब इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम इसे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे अब हम सिल देते हैं, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। आप चाहें तो यहाँ पे भी पिन कर सकते हैं। पिन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपको सिलना, आपका सरकेगा नहीं सिलते वक्त। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। सिलने के बाद अगर आप देखेंगे तो अब देखिए, ये हमारी चारों साइड जो बाहर बाहर से है सारी फोल्डेड आई हुई है, कहीं से हमारी खुली हुई साइड नहीं आई है। अब हम इस पर अपनी लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये गोटा पट्टी वाली लेस यूज़ करूँगी, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में और दूसरी चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है। ये देखिए ये है, इसे हम इस पर चारों साइड से लगाएंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, इस तरह से ऐसे रख के यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हमें इसे सिलना है। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है।
ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से लेस को ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाएंगे और यहाँ से एक राउंड और हम लगाएंगे चारों साइड से। चलिए सिल लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, ये हमारी लग गई है। अब हमें यहाँ पे इसे कट करना है, तो कट कैसे करेंगे, उल्टा करके कट करेंगे। बट पहले देखिए इसके ऊपर से मैंने एक बार हल्का सा प्रेस लगा दिया, इसे मैंने उल्टी साइड से ही प्रेस लगाया है। अगर सीधी साइड से लगाएंगे तो आपका ये गोटा पट्टी वाली लेस जो है वो जल जाएगी। अब देखिए कट कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसे ऐसे बराबर करेंगे, मोड़ेंगे। एक बार मैंने मोड़ा और यहाँ से एक बार और मोड़ेंगे, ये बराबर कर, ये देखिए इस तरह से मैंने बराबर करके इधर से भी मोड़ लिया है। और इतना मोड़ने के बाद हम यहाँ पे एक पिन कर देते हैं, जिससे ये हमारा इधर उधर हिले नहीं। हिलेगा तो फिर हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये इस तरह से यहाँ हमें 1.75 इंच का मार्क लगाना है। मीन्स 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जितना आता है उतने का। तो ये देखिए ये इस तरह से हमने मार्क लगाया एक, फिर यहाँ से 1.75 इंच का मार्क लगाएंगे, फिर इधर से 1.75 इंच का मार्क लगा देंगे। ये देखें इस तरह से, ये ऐसे ये हमने लगा दिया। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। बहुत इजी है इसे बनाना, आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह की ड्रेस मैंने अस्तर के फैब्रिक से भी आपको बनाना बताया है, प्योर कॉटन से। ये ओपन करने पे कुछ इस तरह का आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सेम तरीके से एक पीस और रेडी किया हुआ है, ये इस तरह से। देखिए हमारा दो पीस रेडी है। ये देखिए इसे हम इस तरह से ऐसे सीधी साइड से रखेंगे, किधर से भी आप रख सकते हैं। ये हमने इसे रख दिया। अब इसके ऊपर हम अपने दूसरे पीस को ऐसे उल्टा करके रखेंगे, येलो वाले से येलो वाले को मिला के और व्हाइट वाले से व्हाइट वाले को मिला के। ये देखिए हमने रख दिया। रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इस तरह से ऐसे पिन कर देना है, ये दो साइड से इस तरह से, क्योंकि हम इस पे यहाँ एक ऐसे सिलाई लगाने वाले हैं। चलिए सिलती हूँ पहले, फिर बताऊँगी आगे कि क्या करना है। यहाँ से ऐसे हम एकदम सीधी सिलाई लेके आएंगे, ये जो दोनों आप देख रहे हैं इसके सेंटर में आनी चाहिए सिलाई। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद इसे आप सिलाई के किसी भी एक साइड से कट कर सकते हैं, जिधर से आप चाहिए कट कर लीजिए। ये हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा एक एक जगह से ये हमारा सिर्फ जॉइंट है, बाकी हमारा ये खुला हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे देखिए मैंने सुई में धागा डाला हुआ है, हम इसे सुई धागे की हेल्प से फ्रिल बनाएंगे इसकी। बहुत इजी है, ये देखिए इस तरह से नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे हम अपनी फ्रिल को बनाएंगे, ये ऐसे करके। ये देखिए ये ऐसे ऊपर की साइड से हमें सिलना है इसे, ऐसे देखिए सिल के ऐसे आपस में इकट्ठा करेंगे तो हमारी फ्रिल बनती चली जाएगी। बहुत ईजी है, ये देखिए हम कच्चा जो करते हैं वही हमें करना है, ऐसे करके। ऐसे करके पूरा हम इसे यहाँ तक सिलते हुए आएंगे, जहाँ तक कटा हुआ है। चलिए सिलती हूँ फिर बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे लास्ट तक सिल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, जिससे हमने जो इसे इकट्ठा किया है वो फ्रिल हमारी फैले ना। तो हमने यहाँ पे एक नॉट लगा दी, इसे अब हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे नेफा अटैच करना है। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप नेफा नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के धागे से सिलिए और इसी पे एक डोरी सिल दीजिए इसके ऊपर से, तो आपको यहाँ पे नेफा नहीं अटैच करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके कमर की देखिए लंबाई बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने धागे को कट किया है और यहाँ से सिलाई शुरू की है, तो वहीं से मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कमर कितने इंच है। तो कमर हमने रखी है 5 इंच। हम क्या करेंगे, एक बार इसके ऊपर इसी तरह से ऐसे सिंपल सीधी सी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिल दिया। अब मैंने यहाँ पे ये एकदम सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। इसे इस तरह से मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे और उल्टी साइड से हम इसे सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ऐसे रख के और सिंपल सीधा सा सिल देना है। चलिए सिलती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है।
ये देखिए सिलने के बाद मैंने यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी का कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हमें एक बार और मोड़ना है और उसके बाद अपनी ये डोरी यहाँ पे रखेंगे और इसे इस तरह से ऐसे पलट के सिल लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त तो अपनी सिलाई को लॉक जरूर करिए और दूसरी चीज़, डोरी के ऊपर से सिलाई मत लगाइए। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद देखेंगे कितना अच्छा सा हमारा डोरी सरक रही है, हमने डोरी पे सिलाई नहीं लगाई। इसकी फ्रिल भी बहुत खूबसूरत आती है, एकदम यूनिक हमारा ये डिज़ाइन है। चलिए अभी पहना के दिखाऊंगी, इसे हम साइड करते हैं। और मैंने यहाँ पे ये चोली के लिए ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने रखी है 4.5 इंच और लंबाई हमने रखी है 10 इंच। हम यहाँ से देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। अपनी सिलाई के ऊपर से आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं, गोटा पट्टी वाली। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ सेंटर से कट करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। एक तिरछी सी लगभग 1 से 1.5 इंच के करीब में हम सिलाई लगाएंगे यहाँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपने घेर के साथ ही हम इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखें ये सेंटर में ऐसे रख के सिल देना है। चलिए सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ कान्हा जी को। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने कान्हा जी को पहना दी है। 4 नंबर के कान्हा को बनाई है, बट सेम ड्रेस आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी था, आपने देखा हमने कितना आसान तरीके से इसे बनाया हुआ है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।